So, what's up everyone? How are you all doing? My name is Anupam and you're watching an interesting channel called Underground Joker. So basically, today is my first day of my first class, ka, accounts ki class. Ka, and basically, today I'm going to give you a review of my tuition. My tuition is 4 to 5:30 and I'm studying Excel. His name is Rajiv sir. He's a very experienced person and काफी बच्चे काफी बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया उनसे पढ़ के सो बेसिकली आज मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ उनसे पढ़ने एंड जैसा भी रिव्यू होगा वैसा मैं आपको आज ट्यूशन जाके बताऊंगा एंड जब ट्यूशन पर जब ट्यूशन पहुंचेंगे तब भी वहाँ पे एक शू क्लिप आएगी सो वही सब एवरीवन घर से निकल चुका हूँ अपने आप मुझे देख चुके हो और यार फोन क्यों आता है इस टाइम हाँ बस ट्यूशन पहुँचने वाला हूँ एंड फर्स्ट डे है एंड फर्स्ट डे पे इतना लेट हूँ अभी 4 बज चुके हैं एंड 4 बजे से ऊपर ही है मतलब 4:02 या 4:03 है एंड जैसे ही ट्यूशन पहुंचता हूँ आप लोगों को ट्यूशन सेंटर दिखाऊंगा बाहर से पूरा बोर्ड एंड ऑल ये मिलते हैं पहुंचते हैं गाइस अभी ट्यूशन से बाहर निकले हैं अब बस पार्क की तरफ निकल रहे हैं आज हम वॉले पार्क में खेल रहे हैं आज केक ऑफ खेलेंगे क्योंकि फराज भी वहाँ पर है आज फराज भाई के साथ आप लोग करवा दूंगा एंड यहाँ दोस्त भी है तो मिलते हैं मेरे पास आज अच्छे से खेला एंड ये पार्क भी काफी अच्छा है लाइक काफी अच्छा होता है ना वो वाला मतलब पूरा बैठने की जगहें हैं एंड अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ ये वो है ब्लॉक के वाला ब्लॉक के ब्लॉक है तो इधर का भी पार्क जो आप एंटर करते ही मिलता है वो काफी अच्छा है इधर आज हम लोग खेला एंड यहाँ का कोर्ट भी पहले वाले कोर्ट से अच्छा है इन कम्पेयर टू लाइन्स उस कोर्ट के अंदर लाइन्स नहीं थी प्रॉपर बैडमिंटन कौन सा कब आउट होता है या कब इन होता है एंड आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिक शॉट्स भी डाले हैं जो आपको इस वाली क्लिप से पहले मिलेंगे तो घर जाकर वीडियो को पूरा एडिट करूंगा एंड दिन से पूरा मस्त आज वाला ब्लॉग बनने वाला है घर जाके अगर कोई रिलेटिव होंगे तो उनसे भी सबके इंट्रोड्यूस करवाऊँगा काफ़ी अच्छा पाक है अब से उसी पाक में रेगुलर रहना शुरू करेंगे इस पाक को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि उधर कुछ और बच्चे आ रहे हैं एंड उनकी वजह से हम लोग इरिटेट होते हैं हमारी चीज़ अच्छी नहीं हो पाती एंड इस पार्क में हम इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि इस पार्क में मेरा एक घर है तो बेसिकली कॉलोनी वाले अलाउ कर देते हैं जिनका भी घर होता है तो बेसिकली जब घर पहुँचते हैं फिर हम कुछ खाएंगे तो वहीं मिलते हैं तो जब गाइस हम लोग इधर आए थे सूरज सब पे नहीं खुली है वंश से फिर से बियर मेरा वो जलजीरा इसका बियर और वो कहाँ गया
आर्यन भक्ति का वो आर्यन परिवार। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी कजिन सिस्टर के लिए गिटार लेने एंड आप लोगों के लिए एक अच्छा जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना इन थोड़े म्यूजिक से इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो उनके लिए एक अच्छा ब्लॉग बन जाएगा। सो मिलते हैं जब हम शॉप पर। So, what's up everyone? आप लोग अच्छे होंगे। So basically, जो आपने क्लिप्स इस वाली क्लिप से पहले देखी थी मतलब कि गिटार वाली, तो मैं उधर गया था, उस शॉप का लिंक मतलब एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी दुकान है, कुछ शक नहीं है। एक्चुअली दुकान वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, बट आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के जाना होगा एंड उनका काफी अच्छा सेटअप है। उनके सारे गिटार कुछ चमक रहे हैं, बहुत ही रखा हुआ है सारे गिटार्स को एंड सारे अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। सो बेसिकली उस शॉप के अंदर आपको वहाँ पर वो मिल जाते हैं बांसुरियाँ, फ्लूट्स, गिटार्स, हारमोनियम्स, देन यू हैव केसियोस, देन यू हैव माइक, देन यू हैव एम्पलीफायर और वो जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपको अपना खुद का एक पूरा म्यूजिक का सेटअप चाहिए तो आपको वो पूरा वहाँ पर अवेलेबल होगा। एंड जो मैं आज लेने गया था, जैसे कि आपको पता है गिटार, वो उसने हमें हमने बोला कि हमें बिगनर्स के लिए गिटार चाहिए, तो उसने हमें दो गिटार दिखाए। पहला गिटार दिखाया जो कि उसने हमें बोला 2500 का, उसकी क्वालिटी सही में मुझे भी अच्छी लगी एंड उसने मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दैट्स नाइस। फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसा क्या है इस गिटार में एंड अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देन हमें आप और कोई दिखाओ। तो उसने हमें एक और गिटार दिखाया विच इज़ वंडरफुल एंड उसकी वॉल्यूम भी, वॉल्यूम कहने का मतलब जब हम उसको बजा रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं, तो वो 2500 वाला इससे ज़्यादा अच्छा कर रहा था। आपको गिटार की अनबॉक्सिंग कल वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो जैसे कि टाइम ज़्यादा हो गया है एंड उनका गिटार था मतलब जो मेरी छोटी बहन थी वो अभी लोग मतलब बिजी है तो अभी नहीं हो पाएगी। आप लोगों को गिटार की अनबॉक्सिंग में कल दिखा दूँगा, अनबॉक्सिंग क्या होगी आप लोग अच्छे से दिखा दूँगा। एंड स्टोर का डिस्क्रिप्शन आपको, स्टोर का लिंक या क्या बोलता हूँ यार मैं, स्टोर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है एंड बार्गेनिंग आपको अच्छा करनी है। वो जो हमने सेकेंड वाला गिटार देखा वो अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ का था एंड देन हम लोगों ने थोड़ा बार्गेन करके उसको 2500 बोला, देन उसने बोला नहीं 2800 इज जस्ट फाइनल। हमने बोला ओके 2600 नहीं सर 2700 एंड देन हम लोगों ने उसको 2700 में खरीद लिया बार्गेन करने के बाद। सो दैट्स कूल एंड उसके अंदर मुझे कोई खराबी नहीं है। कल आप लोगों को उसके अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा तो आप लोगों को थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी एंड और इस वीडियो के अंदर मुझे कुछ कहना है तो नहीं खास, बट अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए मतलब अलग अलग शॉप्स पर जाके चीज़ें देखना या फिर नेहरू प्लेस मार्केट पर मैं बना ही चुका हूँ या फिर कुछ भी रिलेटेड लाइक कुछ सस्ते शूज की मार्केट या फिर सस्ते फोन का मिलते हैं कपार का ब्लॉग चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ कमेंट। वॉइस लाइवर। सो बेसिकली मैं ये वाली क्लिप की बना रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ मैं ये वाली क्लिप की बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सही में मोटिव लगे कि हाँ भाई ये बंदा बना रहा है तो दूसरों के फेवर में ही बना रहा है, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए बना रहा है। सो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरा फर्स्ट डे था मेरी फर्स्ट क्लास ट्यूशन का, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं आज अकाउंट्स पढ़ने गया था एंड मेरे सर का नाम है राजीव सर। He is basically a very experienced person. I guess 20 years का उनको experience, 20 years plus का उनको experience है account पढ़ाते हुए and he is like awesome. He is entertaining. He is always happy and he is like
कि बहुत नीटली आपको उनका काम करना होगा. अगर वो आपको बोल रहे हैं आपको स्केल पेंसिल ले सब लाना, तो आपको लाना है एंड आपको उसी ढंग से करना है. सो बेसिकली मेडिटेशन का नाम क्या है, मेडिटेशन का नाम है स्टूडेंट जोन. एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है, अगर आपने मैकडॉनल्ड्स देखा है कालका जी का, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो मैकडॉनल्ड्स के सामने एक लेन जाती है स्टूडेंट जोन, आपने देखा ही होगा अगर आप कालका जी के हैं तो. नहीं तो आप मैकडॉनल्ड्स के बाहर जाके किसी से पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट जोन कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो आपको वहाँ का रास्ता बता देंगे एंड आप उधर आके अपना देख सकते हैं. फीस स्ट्रक्चर मैंने भी आज नहीं पूछा बिकॉज 10th की फीस अलग होती है, 11th की अलग होती है, तो फीस स्ट्रक्चर का भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी दे दूँगा. बट मेन होता है कि आप पढ़ाया कैसे जा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए मैं उनको 5 स्टार दूंगा, 5 स्टार चॉकलेट नहीं, 5 out of 5 स्टार दूंगा. सो बेसिकली बहुत अच्छा पढ़ाया एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे सब कुछ समझ आया एंड मैंने सच में. एंड अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को भी बजा दो, क्योंकि यू विल बी नोटिफाइड व्हेन यू अपलोड अ वीडियो. आपको हमेशा पता चल जाएगा जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे. सो गाइज आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं.